अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इधर ना गांव में मेरा एक दोस्त है, तो उसके पास एक कबूतर है। तो उसने एक बहुत ही दिलचस्प सा एक निज़ाम बनाया हुआ है कबूतर को पालने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने कैसा सेटअप बनाया हुआ है। बहुत ही दिलचस्प सा ये सेटअप है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वो मुझसे ये भी पूछेंगे कि ये उसने कैसे बनाया है। तो चलो फिर देखते हैं हम कि उसने उसका सेटअप कैसा है कबूतर पालने का। ये देखें, ये उसने ना कमरे के अंदर ये सेटअप बनाया हुआ है। ये देखें, ये कबूतर है। ये देखें, उसने बहुत ही दिलचस्प सा एक सेटअप बनाया हुआ है, कोई अच्छा सा जुगाड़ ला कर। ये देखें, ये कबूतर है, और ये देखें, ये बोतल के ज़रिए उसने बनाया हुआ है। तो ये देखें, इसके अंदर पानी है। ये देखें, तो अभी हम उससे ये भी पूछेंगे कि उसने ये किस तरह बनाया। ये कबूतर भी मुझे लगता है जंगली ही है, बहुत प्यारा है वैसे। ये देखें, इसका सेटअप चेक करें, दूसरी बातें बात, बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया। तो चलो अब हम उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे बनाया है, ताकि आप भी अगर चाहें तो इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। ये भाई हैं, इससे हम पूछते हैं कि इसने ये कैसा बनाया, किस तरह बनाया, ताकि आप भी बना सकें। तो भाई बताएं कि आपने ये किस तरह बनाया है, किस शुरू किधर से किया है। भाई साहब मैंने ये और डंडा ये कैसे लगाया। भाई साहब मैंने ये कबूतर, बहुत कीमती कबूतर है मेरे लिए, ये मैंने बहुत शौक़ से लिया और बहुत शौक से इसे पाल रहा हूँ। अच्छा, और बाहर जगह नहीं थी, क्योंकि इधर के हालात गाँव के अच्छे नहीं होते। बिल्ली होगी, गिद्दड़ हो गया, वो ऐसे परिंदे पकड़ लेता इधर से, ये तो इसलिए मैंने इधर इसे अपनी जगह में बना दी हुई है। तो मैंने इधर इसकी जगह बनाई है, बाहर से लकड़ी लाया हूँ, लकड़ी ला कर इधर इसको फिट किया है दीवार के साथ। तो फिर चेक किया है ये कबूतर इस पर ठीक रह सकता है या नहीं रह सकता। एक दिन ट्राई किया है, जब ट्राई किया है तो ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह इसने अपना घर बना लिया है। तो मैंने फिर इसके साथ इसके खाने पीने का बंदोबस्त करना था, मैंने सोचा कि वो भी कर दूँ। मैंने अपने एस्टीमेट के ज़रिए इसको पानी, जिसमें ये कुछ खाता पीता है। नहीं तो ये बोतल काट कर, आपने बोतल कैसे काटी है, तो फिर उसको पीस कैसे कर कर लगाए हैं, वो बताएं। भाई साहब वो मैंने बाहर से बोतल लेकर जब आयों को, तो इसके कितने पीस किए हैं, दो या तीन। एक ढक्कन वाले हिस्से का कर दिया, और एक दरमियान वाले का, एंड पर एक तीन पीस हो गए, तीन पीस किए हैं। ठीक है, और जो पीस इधर अच्छा लगा है, जो जिसमें इसका मुँह पहुँच सकता है, इसलिए वो इधर लगा दिया। जो सा यानी कि एंड पीस है, उसके अंदर जो सा आप खुराक रखते हैं, ताकि जिधर वो खुराक खाता है, और जो सा फर्स्ट वाला है जिधर वो कैप वगैरह लगा होता है, उसे आप पानी के लिए उसको उस पानी के लिए इस्तेमाल किया कि पानी पी सके। तो फिर इसे डंडे के साथ फिर कैसे बांधा, कुछ सुराख वगैरह किया इसको, फिर उसके साथ रस्सी के साथ बांधा, सुराख करके उसको डंडे के साथ फिट किया है, रस्सी के साथ बांध दिया। रस्सी हो या बारीक तांद हो या धागा हो, तांद का शायद आपको ना पता हो, ये बोरी नहीं होती, बोरी की जो ऐसी तांद होती है उससे निकलती है, धागा भी लेकर किसी चीज के साथ भी बांध के साथ भी मजबूत चीज हो। बहुत ही प्यारा वैसे लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि इसलिए इसको इधर इसके साथ फिट किया, फिर पानी डाला, चेक किया, वो साथ आप देख रहे हैं ना, जिसके साथ बांधा हुआ है, तो इसलिए उधर चेक किया कि कितना पानी डलता है, उतना उस हिसाब से पानी डाला है। फिर उसको बिठाया है और दो मिनट बाहर खड़ा हुआ और अपने परिंदे को चेक किया, ये इधर से पीता है या नहीं, तो वो बहुत खुश हुआ है, उसने बहुत खुशी के साथ पिया है। फिर मैंने इधर मैंने देखा है, वो पहले भी फिर मैंने कहा इसके खाने पीने का बंदोबस्त पहले मैंने इधर किया था, नीचे इसको दाना पानी फेंक देता था, लेकिन ये खुशी से नहीं खाता है, क्योंकि ये जो कबूतर है ना, ये बहुत ही अच्छा परिंदा है, जंगली कबूतर है, मुझे तो लगा जंगली कबूतर है। नहीं नहीं जंगली नहीं है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नस्ल में पाया जाता है, बाजी तो, हाँ हाँ बाजी घरों में। अच्छा, बाजी घरों में, तो ये बहुत स्पेशलिस्ट लाया, मुझे लग रहा है कि जंगली कबूतर है। चलो, जंगली इस तरह नहीं होते हैं, वो बाहर फसलों में होते हैं, वो इधर घर नहीं रखे जाते, ठीक हो ना, वो इधर रहते हैं। ठीक हो गया भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।